हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हेयर केयर रूटीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी कोई शैम्पू मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो वो कितना पॉपुलर है या फिर वो ब्रांड कितना मार्केट में चलता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो गलती मत किया कीजिए। उसके इंग्रेडिएंट्स प्लीज चेक किया कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ बालों पे ही नहीं तो हमारे हेल्थ तो वो शैम्पू सिर्फ आपके बालों पे ही नहीं तो आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में नहीं होने चाहिए। मार्केट में तीन प्रकार के शैम्पूज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी रहती है जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, मोर देन 10 एंड ऑल, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो बहुत अच्छा फोम बनाते हैं, उसका स्मेल बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा बालों को सिल्की बनाता है, इसलिए वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स एक बार आप पक्का चेक कीजिए वो कितने हार्मफुल है, वो समझ लीजिए, तो आपको भी अपने बालों को हेल्दी रखने में, अपने खुद के हेल्थ के लिए भी उसकी हेल्प होगी। सेकेंड कैटेगरी के शैम्पूज होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, जो नाम के लिए हर्बल होते हैं। हर्बल शैम्पू लिखा रहता है, लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। कुछ शैम्पू की इंग्रेडिएंट लिस्ट ही क्लियर नहीं होती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मेंशन ही किए नहीं होते हैं। ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स क्या क्या है ना बताया जाता है, लेकिन वो कितने परसेंटेज में है वो नहीं बताया जाता है। बाकी प्रिजर्वेटिव क्या है, फ्रेग्रेंस के लिए कौन सा केमिकल यूज किया है, या बाकी बेसिक केमिकल्स क्या क्या है, या बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या है, वो कुछ भी इन डिटेल बताया नहीं जाता है। वो तो ज्यादा हार्मफुल होता है, क्यों? क्योंकि एक बार जो शैम्पू जो ब्रांड्स क्लियरली मेंशन करते हैं वो हम पढ़ तो सकते हैं, वो क्लियर तो होते हैं कि उसमें ये केमिकल्स है, तो आप डिसाइड कर सकते हो वो यूज करना है या नहीं करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन जो मेंशन ही नहीं करते हैं, ओनली हर्बल हर्बल करके लिखते हैं, मेंशन करते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या है वो ही लिस्ट क्लियर नहीं होती है, वो ज्यादा हार्मफुल होता है, वो डिसाइड करने के लिए भी कंफ्यूजिंग होता है। आई थिंक उन ब्रांड्स की तरफ तो मत ही जाओ। लास्ट जो कैटेगरी हम बोल रहे हैं, जो प्योरली हर्बल होते हैं, जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते हैं, जो एक्चुअल में हेयर के हेल्थ के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी बेस्ट होते हैं, वो रहते हैं माइल्ड हर्बल शैम्पूज। आप प्लीज वो प्रेफर किया कीजिए, ऐसा मेरा खुद का सजेशन है, क्योंकि ओनली शॉर्ट टर्म के लिए उतना बालों को वो सिल्की बना रहा है, इसलिए ये शैम्पू केमिकल भरा यूज किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा खुद का ये ट्राई है कि एटलीस्ट मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स जो एक्चुअल में प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए वो आपके सामने लाऊं, आपको क्लियर कर दूं, जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सको कौन सा शैम्पू परचेस करना है, कौन सा नहीं करना है। एक्चुअल में कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं शैम्पू के बारे में, तो शैम्पू के लिए रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? एक तो फोम कितना बनता है, तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाए, कंडीशनिंग कितनी है, थिकनेस कितना है, या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया है, फ्रेग्रेंस के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, तो ये सारी बातें होती है। इन सारे बातों के लिए उनको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करने होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रेफर किया है। केमिकल्स तो हर प्रोडक्ट में होता ही है, उसके अलावा वो प्रोडक्ट प्रिजर्व करना, फ्रेग्रेंस देना, थिकनेस देना, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन केमिकल्स हार्मफुल है या नहीं है, ये दो अलग बातें हैं। टॉक्सिक केमिकल्स हेल्थ के लिए भी और हेयर्स के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल्स शैम्पू में ना हो ये हमें देखना है। तो वो कौन से है उसकी लिस्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, वो जरूर चेक कीजिए। एटलीस्ट वो इंग्रेडिएंट्स आपके लिस्ट में जो आप परचेस करने जा रहे हो शैम्पू उसमें ना हो, वो चेक कीजिए। चलो अब हम उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखते हैं विथ रीजंस।
मेन हार्मफुल प्रोडक्ट्स जिन्हें हमें नो बोलना है वो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किए हैं। आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो लिस्ट मेंशन की है वो आपको अपना शैम्पू चूज करने के लिए जरूर हेल्प करेगी। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। मैंने ऑलरेडी माइल्ड शैम्पू के रिलेटेड वीडियो बनाया है इन डिटेल, वो भी आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है। बेस्ट हेल्दी हेयर्स के लिए माइल्ड हर्बल शैम्पू ही यूज कीजिए फ्रेंड्स। कौन से बेस्ट माइल्ड शैम्पूज है उसकी लिस्ट में आपके कन्वीनियंस के लिए जल्द ही लेके आ रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगी शैम्पू चूज करने के लिए। फ्रेंड्स इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।